फाइनली नोकिया आ चुका है और MWC 2017 में नोकिया ने अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग स्मार्टफोन्स को जो वो लॉन्च कर दिया है और साथ में एक फीचर फोन लॉन्च किया है जो नोकिया 3310 क्लासिक का सक्सेसर है। यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुत सालों बाद नोकिया ने यहाँ पे कमबैक किया है और पूरे इवेंट में जो सबसे आई कैचिंग मैं कहूँगा कोई चीज़ थी तो वो नोकिया के फ़ोन्स की थी। लेकिन यहाँ पे नोकिया ने काफ़ी सारे लोगों को जो वो डिसअपॉइंट किया है और ये चीज़ से मैं भी एग्री करता हूँ क्योंकि लोग ऐसे बैठे थे कि नोकिया कुछ लेके आएगा लेकिन जब इवेंट खत्म हुआ तो लोग एक दूसरे को एकदम सरप्राइजिंग देख रहे होंगे कि एक्चुअली में क्या यही था जो नोकिया ने हमें दिया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सीधे मुद्दे पे आता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या नोकिया के फ़ोन्स आज के ज़माने में जो वो टिक पाएंगे। तो इसका जवाब है हाँ। आपको सुन के अजीब लग रहा होगा लेकिन हाँ यही इसका जवाब है क्योंकि मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि नोकिया को हम चाइनीज़ कंपनी से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि चाइनीज़ कंपनी जो है वो मैं कहूँगा बहुत घाई घाई में आते हैं और घाई घाई में चले जाते हैं लेकिन नोकिया एक लंबी रेस का घोड़ा है जो सालों से इंडस्ट्री में बैठा हुआ है और इसे आगे तक भी जाना है। ये नोकिया का क्लास है। नोकिया के फ़ोन्स को हम सिर्फ आईफोन और सैमसंग से ही टक्कर ले सकते हैं और दूसरी कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते। ये नोकिया की जो वो खासियत है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आफ्टर सेल सर्विस नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल शाओमी के फ़ोन्स, मैं मानता हूँ शाओमी के फ़ोन्स काफ़ी अच्छे होते हैं लेकिन आफ्टर सेल सर्विस में शाओमी के फ़ोन्स यहाँ पर मार खा जाते हैं। आपके फ़ोन्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है आप शाओमी के सर्विस सेंटर में जाते हैं तो आपको प्रॉपरली यहाँ पर हेल्प नहीं होती है जैसे कि हमें आईफोन और सैमसंग के फ़ोन्स में यहाँ पर मिलता है जो कि प्रॉपर सर्विस यहाँ पर जो वो देते हैं। तो चाइनीज़ फ़ोन यहीं पर मार खा जाते हैं कि उनकी आफ्टर सेल सर्विस यहाँ पर अच्छी नहीं होती और नोकिया यहाँ पर इस वादे से ही जो वो खरा उतरेगा कि नोकिया की आफ्टर सेल सर्विस इंडिया में मेरे हिसाब से बहुत अच्छी होगी। जून में हमें नोकिया के फ़ोन्स देखने को मिलेंगे, नोकिया 3, नोकिया 5 और नोकिया 6 और साथ में नोकिया 3310 का जो एक फीचर फ़ोन है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि इन फ़ोन्स में हमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही है जो एक्चुअली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। नोकिया 3 जो है वो सबसे लोअर कैटेगरी का नोकिया का एंड्रॉयड का फ़ोन है जो कि 10,000 रुपीज़ के आसपास बताया जा रहा है इंडिया में आने वाला है जिसके अंदर हमें मीडियाटेक का MT6737 का प्रोसेसर होगा। एक्चुअली हम उम्मीद करते थे कि एटलीस्ट स्नैपड्रैगन 430 दे देते थे तो उस प्राइस रेंज में लेनोवो K6 पावर जैसे फ़ोन्स को हम बोल सकते थे कि बकवास है, हम नोकिया के फ़ोन ही खरीदेंगे क्योंकि नोकिया के ये क्लास है। और साथ में नोकिया 5 जो आया है लगभग से 13,000-14,000 रुपीज़ की प्राइस होगी, उसके अंदर हमें लगभग से स्नैपड्रैगन 430 दिया है तो उसकी जगह पर स्नैपड्रैगन 625 भी दे सकते थे, इसमें कोई बुराई नहीं थी। तो हम शाओमी के फ़ोन्स को साइड में कर देते थे और हम नोकिया के फ़ोन जो वो खरीदते थे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि नोकिया चाहे तो दे सकता था लेकिन नोकिया ने नहीं दिया। नोकिया कोई छोटी कंपनी नहीं है, नोकिया बहुत बड़ी कंपनी है और कोई बच्ची भी नहीं है, उसको बहुत बड़ा नॉलेज है। जब वो इतने सालों बाद कमबैक कर रहा है यानी कि लगभग से 17 साल पहले कुछ ऐसे फोन्स लाया था तो लोग की उम्मीद कुछ ज़्यादा ही थी नोकिया के फ़ोन से और ख़ास करके हम हिंदुस्तानियों की कि हमने नोकिया के फ़ोन्स बहुत यूज़ किए थे। तो यहाँ पे अगर हम नोकिया के फ़ोन्स फ्यूचर में लेते भी हमारे हाथ में तो जब हम यूज़ करेंगे तो हमें खुशी तो मिलेंगी क्योंकि उसके ऊपर नोकिया का ब्रांड है और उसी की वैल्यू रखती है जैसे कि आज एप्पल की ब्रांड की वैल्यू और सैमसंग की वैल्यू है। लेकिन जब फ्यूचर आएगा तो क्या नोकिया ऐसे फ़ोन्स फ्यूचर में हमें दे पाएगा जो फ्लैगशिप फ़ोन्स होंगे जिसकी स्पेसिफिकेशंस ऐसी होगी जो दूसरी कंपनी हमें दे रही है और जिससे हम खुश हैं आज देखा जाए तो यहाँ पर हम नोकिया से यही उम्मीद करते हैं और हम आप लोगों से मैं भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, देख लेते हैं कि नोकिया कौन से फ्यूचर में फ़ोन्स लाता है कि बताया जा रहा है स्नैपड्रैगन 835 के प्रोसेसर के फ़ोन होंगे और साथ में फ्लैगशिप फ़ोन्स भी देगा, 6GB के रैम होंगे और कोड HD के डिस्प्ले होंगे, कुछ इस टाइप के फ़ोन्स भी यहाँ पे दे रहा है। सबसे डिसअपॉइंटिंग यहाँ पे एक अगर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कहूँ तो नोकिया का जो फीचर फ़ोन है उसमें मुझे हुआ है। हालांकि डिज़ाइन एकदम परफेक्ट है, नोकिया ने काफ़ी मैं कहूँगा दिमाग से ये फ़ोन लाया था, 3310 का टैग लगा के काफ़ी सारे लोग ये फ़ोन परचेस करेंगे और ऑब्वियसली मैं कहता हूँ ये फ़ोन परचेस लोग करेंगे, यहाँ तक कि मैं आपको इतना भी बता देता हूँ। लेकिन एटलीस्ट इस फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें दे रहता था जो प्रीवियसली उस फ़ोन में हमें नहीं मिली थी। यहाँ पे सिर्फ कलर डिस्प्ले मिलता है, वही स्नेक का गेम मिलता है, वही नोकिया की क्लासिक ट्यून मिलती है और थोड़े से इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी में अगर एटलीस्ट 3G दे देते, चलो 4G नहीं देते, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप 4G एक्सपेक्ट करते हो, चलो ठीक है 3G कनेक्टिविटी देते, एटलीस्ट वाईफाई सिस्टम दे देते तो हम यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पे उठा सकते थे क्योंकि जियो के फीचर फ़ोन आने वाले फ्यूचर में जो 59 रुपीज़ में हमें 4G सर्विस दे रहा है तो ऐसे ही कुछ जब जियो कर सकता है तो नोकिया भी यहाँ पे जो वो कर सकता है। लेकिन वेट कर लेते हैं, हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पे जियो कुछ नोकिया कुछ ऐसे फीचर फ़ोन लाएगा जिसमें हमें 4G कैपेबिलिटी जो देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे फाइनली जाते जाते आप लोग को एक और चीज़ बता रहे थे कि काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करके बोल रहे थे कि आप बायस्ड हो, आप सैमसंग के बारे में क्यों ऐसे नहीं बोलते कि सैमसंग भी ऐसे फ़ोन इस प्राइस में देता है जैसे कि 13-14,000 में नोकिया ने जो फ़ोन लाया था और एकदम शिटी स्पेसिफिकेशंस देता है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, मैं एग्री करता हूँ कि सैमसंग के जो J7 J5 वगैरह के फ़ोन इस प्राइस में आते हैं और एकदम से उल्लू बनाते हैं और ऐसे शिटी स्पेसिफिकेशन देते हैं तो नोकिया को भी ये करना ज़रूरी है?
नहीं है, क्योंकि नोकिया क्यों कर रहा है ऐसे? जब सैमसंग ऐसे हरकत कर रहा है तो नोकिया ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि नोकिया से तो हमने काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखी थी, सैमसंग से तो हमने नहीं रखी थी। तो यही मैं आप लोग से यही कह रहा हूँ कि जब सैमसंग ऐसी हरकत कर रहा है तो नोकिया को ऐसे नहीं करना चाहिए। आज मार्केट में जब हमारा दिमाग चलता है तो ये बड़ी बड़ी कंपनी जब बैठती है बिजनेस करने को, तो इनको भी यही सोचना चाहिए कि हम जब इस प्राइस में ये फ़ोन लेके आ रहे हैं तो क्या दूसरी कंपनीज भी ये चीज़ दे रही है, नहीं दे रही है। ये दिमाग सिर्फ शाओमी का चलता है और शायद से दूसरी कंपनीज का नहीं चलता होगा, लेकिन शाओमी का यहाँ पर नोकिया के सामने कोई क्लास नहीं है, या आप लोगों को मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा इस वीडियो का मकसद यही था कि नोकिया के फ़ोन्स वाकई में 2017 में इंडिया में चलने वाले हैं, बहुत बिकेंगे। ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दावे के साथ कहता हूँ, जून में जैसे ये फ़ोन आएंगे काफ़ी सारे लोग परचेस करेंगे। वो ब्रांड है, वो वैल्यू है नोकिया की, जो आज आईफोन और सैमसंग की हमें देखने को वो मिलती है। तो सारी चीज़ों के डाउट्स क्लियर कर लिया हूँ मैंने आप लोगों को, बता दिया कि मेरे दिल में भी इतनी मोहब्बत है नोकिया के जितने आप लोगों के दिल में है, और मैंने इस वीडियो में आप लोगों को वो सारी चीज़ें बता दिया जो नोकिया कर सकता था लेकिन नोकिया ने नहीं किया। लेकिन फिर भी हम नोकिया को माफ़ कर देते हैं और इस ज़माने में उसको जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिए, मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए फ्यूचर में यूजफुल वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।